मानिरम अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बेटा, आपकी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 18 का लेक्चर नंबर 1 है आज। तो इसका मतलब आज हम चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट कर रहे हैं। 18 जो चैप्टर है आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है। वैसे हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। एक हमने चैप्टर 10 पढ़ा, एक हमने चैप्टर 11 पढ़ा और एक चैप्टर 13 पढ़ा। तो हम अब एक और चैप्टर करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 18, और चैप्टर नंबर 18 का लेक्चर नंबर 1 है। सो 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम आज अपना 4th चैप्टर शुरू कर रहे हैं। और ये वैसे आपकी बुक में आखिर पे मौजूद है। चैप्टर 18 है, आपकी बुक का लास्ट में मौजूद है। और चैप्टर का नेम है फार्माकोलॉजी। चैप्टर का नेम क्या है? फार्माकोलॉजी। आपने फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन पहले भी पढ़ी थी कि फार्माकोलॉजी, आपने कहा था, ड्रग का मुताला होता है और ड्रग का इंसानी सेहत पे क्या असर होता है उसका आपने डेफिनेशन देखी थी। बायोलॉजी की ब्रांच थी जिसमें आप ड्रग को स्टडी करते हो, ठीक है, और ड्रग का इंसानी सेहत पे असर देखते हो। सो अब हम फार्माकोलॉजी, ये पूरा चैप्टर दवाइयों से मुतल्लिक है, ड्रग से मुतल्लिक है। तो सबसे पहले हम फार्माकोलॉजी की तारीफ करते हैं कि फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड मेडिकल एप्लीकेशंस। तो फार्माकोलॉजी में किसको पढ़ा जाता है? ड्रग्स को पढ़ा जाता है। फार्माकोलॉजी में किसको पढ़ा जाता है? ड्रग्स को पढ़ा जाता है। फार्माकोलॉजी में ड्रग्स को पढ़ा जाता है। ड्रग्स की डेफिनेशन भी थोड़ी देर तक देखते हैं। और ड्रग्स की किस किस चीज़ को पढ़ते हो? सबसे पहले ड्रग की कंपोजिशन को देखते हो आप, ड्रग की कंपोजिशन को देखते हो। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ को देखते हो। तीसरे नंबर पे मेडिकल एप्लीकेशन को देखते हो। इसके अलावा चौथे नंबर पे सोर्सेज ऑफ ड्रग्स आर आल्सो स्टडीड इन फार्माकोलॉजी। पहले मैं ड्रग की चलो बता देता हूँ। ड्रग क्या है? ऐसा सब्सटेंस है जो जब जिस्म में जज़ब हो जाए और जज़ब होने के बाद जिस्म के नॉर्मल कामों को तब्दील कर दे, वो ड्रग है। तो अब ड्रग की अगर आप कंपोजिशन का मुताला करते हो, ड्रग की खसूसियत का मुताला करते हो, इसका तिब्बी इस्तेमालात का मुताला करते हो और इसका सोर्स देखते हो कि ये कहाँ से हासिल हुई है, तो सब किस में आएंगे? फार्माकोलॉजी में आएंगे। तो फार्माकोलॉजी में आप ड्रग का मुताला करते हो और ड्रग की कितनी चीज़ों को देखते हो आप? 4 चीज़ों को। कितनी चीज़ों को? 4 चीज़ों को देखते हो। सबसे पहले आप ड्रग की कंपोजिशन को देखते हो। कंपोजिशन का मतलब होता है तरकीब। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? तरकीब। तरकीब मतलब भी इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, किस किस चीज़ से इसको बनाया गया है। प्रॉपर्टीज़ का मतलब इसकी खसूसियात क्या हैं। मेडिकल एप्लीकेशन, इसको किस बीमारी में इस्तेमाल करते हैं, तिब्बी इस्तेमाल। और सोर्स क्या है? इस ड्रग को प्लांट से हासिल किया गया है, एनिमल से हासिल किया गया है, ठीक है, या मिनरल से हासिल किया गया है, फंजाई से हासिल किया गया है, या बैक्टीरिया से हासिल किया गया है। याद रखना, फार्माकोलॉजी में आप ड्रग को पढ़ते हो और ड्रग की किस चीज़ को पढ़ते हो? ड्रग की कंपोजिशन को, प्रॉपर्टीज़ को, ड्रग का मेडिकल एप्लीकेशन किस बीमारी में इस्तेमाल होती है और दवाई का सोर्स क्या है, किधर से आपको मिली है। सो आपने डेफिनेशन क्लियर की, द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, मेडिकल एप्लीकेशन एंड द सोर्सेज ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। देखते हैं इधर डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट है। फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, मेडिकल एप्लीकेशंस। फार्माकोलॉजी में अद्वियात की, अब तारीफ सुन लें उर्दू में, अद्वियात की साख्त, खसूसियात, साख्त से तरकीब भी आप ले सकते हो, ठीक है। अद्वियात की साख्त, खसूसियात और तिब्बी इस्तेमालात का मुताला फार्माकोलॉजी कहलाता है। अद्वियात की साख्त, खसूसियात और तिब्बी इस्तेमालात का मुताला फार्माकोलॉजी कहलाता है। द सोर्सेज ऑफ ड्रग आर आल्सो स्टडीड इन फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में अद्वियात के ज़राए भी पढ़े जाते हैं। तो 4 चीज़ें आपने देखनी होती हैं कि ड्रग की कंपोजिशन क्या है, तरकीब क्या है, यानी कि साख्त क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, प्रॉपर्टीज़ खसूसियात क्या हैं उसके, ये कहाँ इस्तेमाल होगी, मेडिकल एप्लीकेशन क्या है और ये कहाँ से हासिल हुई है। सो ये 4 चीज़ें आपने फार्माकोलॉजी में देखने होती हैं। आगे देखते हैं, ये पैराग्राफ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, रीड कर लेते हैं हम। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी वाज प्रेजेंट इन द मिडल एजेस। जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी थी वो मिडल एजेस में भी मौजूद थी, मतलब क्रून वुस्ता इसको कहते हैं।
ठीक हो गया। सो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी वाज प्रेजेंट इन द मिडल एजेस। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या मतबी फार्माकोलॉजी मिडल एजेस करून वुस्ता के दौर में भी मौजूद थी। अर्ली फार्माकोलॉजिस्ट फोकस्ड ऑन द नेचुरल सब्सटेंसेस। जो पहले वाले फार्माकोलॉजिस्ट होते थे उनका जो फोकस होता था, उनकी जो तवज्जो होती थी वो कुदरती मादों के ऊपर होती थी, मेनली द प्लांट एक्सट्रैक्ट। और वो कुदरती मादे कहाँ से हासिल होते थे? प्लांट से हासिल होते थे। फार्माकोलॉजी डिवेलप्ड इन द 19th सेंचुरी एज ए बायोमेडिकल साइंस। उसके बाद फार्माकोलॉजी है जो है वो 19वीं सदी में एक बायोमेडिकल साइंस के तौर पर उभरी। ये पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मतबी फार्माकोलॉजी करूने वुस्ता के दौर में भी मौजूद थी। जो शुरू के फार्माकोलॉजिस्ट थे उनका जो फोकस होता था, उनकी जो तवज्जो होती थी वो कुदरती सब्सटेंसेस के ऊपर होती थी। और वो जो कुदरती सब्सटेंसेस होते बेसिकली कहाँ से हासिल होते थे? पौधों से हासिल होते थे। फार्माकोलॉजी 19वीं सदी में बायोमेडिकल साइंस के तौर पर सामने आई या उभर के आई। इसको इंग्लिश में देख लें, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी वाज प्रेजेंट इन द मिडल एजेस। अर्ली फार्माकोलॉजिस्ट फोकस्ड ऑन द नेचुरल सब्सटेंसेस, मेनली प्लांट एक्सट्रैक्ट्स। फार्माकोलॉजी डेवलप्ड इन द 19th सेंचुरी एज ए बायोमेडिकल साइंस। अब इंपॉर्टेंट है ड्रग, ठीक है, जो मैं आपको पहले भी डेफिनेशन बता चुका हूँ। एनी सब्सटेंस दैट व्हेन अब्सॉर्ब्ड इनटू द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म अल्टर नॉर्मल बॉडी फंक्शन इज नोन एज ड्रग। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। एनी सब्सटेंस, कोई भी मादा दैट व्हेन अब्सॉर्ब्ड इनटू द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जब जानदारों के जिस्म में जज़ब हो जाए, अल्टर नॉर्मल बॉडी फंक्शन, तो नॉर्मल बॉडी कामों को, नॉर्मल बॉडी के अफाल को, नॉर्मल जिस्मानी अफाल को अल्टर कर दे, चेंज कर दे, उस दवाई को आप क्या कहते हो? ड्रग कहते हो। सपोज़ ये एक सब्सटेंस है, सपोज़ ये एक सब्सटेंस है, और ये क्या होता है, जानदार इसको क्या करता है, खा लेता है, तो ये क्या होगा, जानदार के जिस्म में अब्सॉर्ब हो जाएगा, और अब्सॉर्ब होने के बाद जानदार के जो नॉर्मल फंक्शन है उनको क्या करेगा, अल्टर करेगा। तो इस सब्सटेंस का नाम क्या होगा? ड्रग होगा। सो देख लें, ऐसा मादा जो जिस्म में, ऐसा मादा जो जानदारों के जिस्म में जज़ब होने के बाद जिस्म के नॉर्मल कामों को तब्दील कर दे, ऐसे मादे को हम ड्रग कहते हैं। बेटा क्लियर कर लें, एनी सब्सटेंस दैट व्हेन अब्सॉर्ब इनटू द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा मादा जो जानदारों के जिस्म में जज़ब होने के बाद अल्टर नॉर्मल बॉडी फंक्शन, जिस्म के नॉर्मल कामों को, नॉर्मल अफाल को तब्दील कर दे, वो ड्रग कहलाता है। ड्रग्स आर क्लासीफाइड इंटू टू टाइप्स। ड्रग्स आर ब्रॉडली क्लासीफाइड इंटू टू। ड्रग्स जो होती हैं उनको बड़े पैमाने पर आप दो में तकसीम करते हो। कौन कौन सी? एक फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं और दूसरी एडिक्टिव ड्रग्स हैं। याद रखना, जो ड्रग्स होती हैं उनकी दो दो बड़े ग्रुप्स बनाते हो। एक फार्मास्यूटिकल ड्रग, इनका दूसरा नाम भी है मेडिसिनल ड्रग, मेडिसिनल ड्रग, तिब्बी अद्वियात। सो फार्मास्यूटिकल ड्रग या मेडिसिनल ड्रग, और दूसरा ग्रुप जो बनाते हो आप एडिक्टिव ड्रग। फार्मास्यूटिकल ड्रग क्या है? ये ऐसी अद्वियात होती हैं, ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो बीमारी की तशखीस, इलाज, मुआलजा, शिफा और बीमारी से बचाव के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनको आप क्या कहते हो? इनको आप मेडिसिनल ड्रग या फार्मास्यूटिकल ड्रग्स कहते हो। सो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो डिज़ीज़ किस किस चीज़ के लिए यूज़ होती हैं, जो डिज़ीज़ की, डिज़ीज़ की डायग्नोसिस, तशखीस के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक हो गया, क्योर, इलाज समझ लें, ट्रीटमेंट, एक को आप शिफा बना लो, एक को आप इलाज बना लो, और प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक हो गया। यानी कोई भी दवा जिससे बीमारी की तशखीस हो जाए, या जिससे बीमारी का क्योर हो जाए, जिससे बीमारी की ट्रीटमेंट हो जाए, या किसी भी चीज़ दवा से अगर बीमारी से हम बच सकते हैं, वो सारी ड्रग्स क्या कहलाती हैं? फार्मास्यूटिकल ड्रग्स कहलाती हैं। सो ऐसी ड्रग्स जो बीमारी की तशखीस के लिए इस्तेमाल हों, बीमारी के क्योर, बीमारी की ट्रीटमेंट या बीमारी से बचाव के लिए इस्तेमाल हों। एक दवा है उससे पता चल जाता है कि बंदे को फलां बीमारी है, इसको कहते हैं बीमारी की तशखीस करना, डायग्नोसिस, वो दवा भी फार्मास्यूटिकल होगी।
एक दवाई आप यूज़ करते हो उससे डिजीज़ क्योर हो जाती है, ट्रीटमेंट हो जाती है, वो दवाई भी फार्मास्यूटिकल होगी। एक दवा हम लेते हैं उससे हम आने वाली बीमारी से बच जाते हैं तो प्रिवेंशन हो जाती है डिजीजेस की, वो दवाई भी क्या कहलाती है, वो दवाई भी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स कहलाती है। और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का दूसरा नाम क्या है, मेडिसिनल ड्रग्स। सो याद रखें डेफिनेशन को, ए फार्मास्यूटिकल ड्रग और मेडिसिनल ड्रग इज डिफाइंड एज, यहाँ से शुरू हो रही है, एनी केमिकल सब्सटेंस, ऐसा कीमियाई मादा दैट इज यूज इन द डायग्नोसिस, क्योर, ट्रीटमेंट और द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज। चार बातें हैं, ऐसा कीमियाई मादा जो बीमारी की तशखीस के लिए इस्तेमाल हो, क्योर आप इसको शिफा समझ लो या इलाज या मुआलजा समझ लो, ट्रीटमेंट भी इलाज मुआलजा शिफा, एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिजीजेज और बीमारी से बचाव के लिए इस्तेमाल हो, ऐसा कीमियाई मादा जो बीमारी की तशखीस, शिफा, इलाज और बचाव के लिए इस्तेमाल हो, वो सारी अद्वियात जिन चार चीज़ों का काम करती हैं वो सारी अद्वियात फार्मास्यूटिकल ड्रग या मेडिसिनल ड्रग्स कहलाती हैं। सो एनी केमिकल सब्सटेंस दैट इज़ यूज इन द डायग्नोसिस, क्योर, ट्रीटमेंट और द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज इज़ कॉल्ड फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल ड्रग। आगे चलते हैं नशावर अद्वियात, एडिक्टिव ड्रग्स, इनका तो नाम से जाहिर है, एडिक्टिव ड्रग, नशावर अद्वियात, सम ड्रग ऑफन मेक पर्सन डिपेंडेंट ऑन देम आर एडिक्टेड, कुछ अद्वियात एक शख्स को अपने ऊपर इन्हसार करने वाला या अपना आदि बना लेती हैं, ऐसी अद्वियात जो एक शख्स को अपने ऊपर इन्हसार करने वाला या अपना आदि बना लें, उन अद्वियात को आप एडिक्टिव ड्रग्स कहते हो, दीज मे बी कॉल्ड एज एडिक्टिव ड्रग्स, हो गई। बाय यूजिंग सच ड्रग द पर्सन बॉडी बिकम फेमिलियर टू इट, इन अद्वियात के इस्तेमाल से, नशावर अद्वियात के इस्तेमाल से द पर्सन बॉडी बिकम फेमिलियर टू इट, जो शख्स की बॉडी होती है, जो शख्स का जिस्म होता है, वो उन दवाइयों से जान पहचान बना लेता है, उन दवाइयों से फेमिलियर हो जाता है, मानूस हो जाता है, एंड द यूज़र कैन नॉट फंक्शन वेल विदाउट दीज ड्रग्स, और इस्तेमाल कुनिंदा जो होगा वो फिर इन दवाइयों के बगैर ठीक काम नहीं कर सकता। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपने की, एडिक्टिव ड्रग्स, ऐसी अद्वियात जो अपने इस्तेमाल करने वाले को अपने ऊपर इन्हसार करने वाला या अपना आदि बना लें, इन अद्वियात को नशावर अद्वियात कहते हैं। इन अद्वियात के इस्तेमाल, ये जो अद्वियात होती हैं, इन अद्वियात के इस्तेमाल से जो बंदे का जिस्म होता है वो इन अद्वियात से मानूस हो जाता है। सो अगर ये अद्वियात उसको नहीं मिलेंगी तो बंदे का जो जिस्म होगा वो अपने काम नॉर्मल नहीं कर पाएगा। ये क्लियर कर लें, द ड्रग that often make the person dependent on them or addicted to them, these are called addictive drug. By using such drug the person body become familiar to it, इन अद्वियात के इस्तेमाल से बंदे का जिस्म दवाई से मानूस हो जाता है, एंड द यूज़र कैन नॉट फंक्शन वेल विदाउट इट, और जो इस्तेमाल करने वाला शख्स होता है वो इन अद्वियात के बगैर अपने नॉर्मल काम नहीं कर सकता। सो ऐसी अद्वियात को आप नशावर अद्वियात कहते हो। क्लियर किया आपने, ऐसी अद्वियात होती हैं जो बंदे को अपने ऊपर इन्हसार करने वाला बना लेती हैं, अपना आदि बना लेती हैं, इनको आप एडिक्टिव ड्रग कहते हो, और इन अद्वियात के बगैर बंदा अपना काम ठीक नहीं कर सकता। फार्मास्यूटिकल ड्रग बीमारी की तशखीस, इलाज, मुआलजा, शिफा और बीमारी से बचाव के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द फंक्शंस ऑफ द फार्मास्यूटिकल एंड द डेंजर ऑफ द एडिक्टिव ड्रग। इस चैप्टर में हम फार्मास्यूटिकल ड्रग उनके काम भी देखेंगे और एडिक्टिव ड्रग के डेंजर यानी के खतरात भी नेक्स्ट देखेंगे। अब फार्मेसी भी साथ देख लेते हैं। फार्माकोलॉजी इज नॉट सिनोनिम विद द फार्मेसी, फार्माकोलॉजी जो आपने पढ़ी वो फार्मेसी का सिनोनिम नहीं है, हम मानी लफ्ज नहीं है, विच इज़ द नेम यूज्ड फॉर ए प्रोफेशन, जबकि ये तो एक पेशा है। याद रखना फार्मेसी क्या है, एक
पेशा है दवाइयों से मुतल्लिक। दो इन कॉमन यूजेज द टू टर्म आर कन्फ्यूज्ड, लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम फार्माकोलॉजी और फार्मेसी को मिला देते होते हैं। फार्माकोलॉजी और फार्मेसी ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनको क्या करते हैं, आपस में कन्फ्यूज़ करते हैं, हालांकि ये दो अलग चीज़ें हैं। फार्मेसी इज़ ए प्रोफेशन रिलेटेड टू ड्रग, दवाइयों से मुतल्लिक पेशा फार्मेसी कहलाता है, जबकि फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन आपने पहले ही पढ़ ली है, अद्वियात की साख्त, खसूसियात, तिबी इस्तेमालात और इनके ज़राए का मुताला फार्माकोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ ड्रग कंपोजिशन प्रॉपर्टीज मेडिकल एप्लीकेशन इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। सोर्सेज ऑफ ड्रग आर आल्सो स्टडीड इन फार्माकोलॉजी, वाइल द फार्मेसी इज ए प्रोफेशन रिलेटेड टू ड्रग, दवाइयों से मुतल्लिक पेशा फार्मेसी कहलाता है, जबकि फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। ये दोनों सिनोनिम्स नहीं है, हाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनको कन्फ्यूज़ किया जाता है, मिला लिया जाता है। सो आज जो आपने देखा उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने जो आपने याद करना है, एक फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन याद करें, आता है अक्सर फार्माकोलॉजी और फार्मेसी में क्या फ़र्क है, ये आपने करना है, डिफरेंस बिटवीन फार्माकोलॉजी और फार्मेसी। दूसरे नंबर पे जो आपने करना है ड्रग की डेफिनेशन करनी है। तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, फ़र्क लिखना है एक फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का और एडिक्टिव ड्रग्स का। तो ये आज आपकी 5-4 डेफिनेशन थी। तो ये आज आपका टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।